फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोगों को कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल हम लोग इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको जैसा कि थंबनेल में शो किया था 5 से मैच डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूँ, तो हमें 5 एक डेफिनेट शेप का ड्रॉ करना है साइज का। अगर आप छोटा या बड़ा ड्रॉ करेंगे अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जितने साइज का कर रहा हूँ वैसे ही आप ड्रॉ कीजिए। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से आप लोग बहुत ही सिंपली से ड्रॉ कर पाएंगे। अब गाइज आप लोग इसके सर्कमफेरेंस में लेफ्ट साइड पर यहाँ पर थोड़ा सा आप इरेज भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली स्केल को प्लेस करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली स्केल को प्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन। देखिए मैंने पहले इरेज कर लिया यहाँ पर थोड़ा सा, आपको जैसे कि पता है कि आपको डिजिट 5 ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो 5 हम लोग ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे नीचे से ज्वाइन करना है। देखिए अब हम लोगों को ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर का लाइन। आप 6 का भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं स्केल को प्लेस करके अगेन ड्रॉ करूँगा। आप ज़्यादातर कंपास और स्केल का यूज़ कीजिए ताकि परफेक्शन आए आपके डायग्राम में और तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे आपका डायग्राम। मैंने 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। इसकी हेल्प से आप बहुत ही सिंपली इस डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। अब मैं 1 बाय 1 ईच पार्ट को इरेज करते हुए आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो अब ये मैंने 5 ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमें ऊपर से थोड़ा सा इरेज करना है और नीचे से हम लोग फिर इरेज करेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग इसका शेप ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं 1 बाय 1 ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। ये मैंने इरेज कर लिया, मैंने ज़्यादा डार्क इरेज नहीं किया, लाइटली इरेज किया है। क्या मैं अच्छी तरह से अगर इरेज कर दूंगा तो आपको शायद शो ना हो, इसलिए आप लोग प्रॉपरली इरेज कीजिएगा ताकि आपके डायग्राम में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। देखिए जैसा मैंने सर्कल ड्रॉ किया था उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाते हुए हम लोग ऊपर ले जाते हुए यहाँ से फोल्ड कर देंगे थोड़े से डिस्टेंस पर। 1 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस होगा करीब लाइन से। सेम मैनर में आपको यहाँ से ले जाना है और फोल्ड करते हुए कर्व मैनर में आपको अगेन ड्रॉ कर लेना है सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इसका शेप, मैं यहाँ पर प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पर इनकम्प्लीट रह गया। अब हम ऊपर की लाइन को कर लेंगे इरेज, क्योंकि यहाँ इसकी हेल्प से हमें ड्रॉ करने का था बेस रीजन, लेकिन मैं डायरेक्टली अब ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसका शेप ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए आपको कुछ इस तरह की लेयर्स जैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो कि इसका मेट लेके रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट डायग्राम से वीडियो देखना चाहते हैं वो भी इजी वे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे लेटेस्ट अपलोड्स के नोटिफिकेशन तो पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बल वाले बेल आइकन टर्न करना मत भूलिएगा। और आपको ये ट्रैक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं मोस्ट ऑफ दी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको किसी डायग्राम में वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा स्मॉल साइज में कर देंगे इसे और ऊपर वाला और स्मॉल कर देंगे। ये थोड़ा सा मुझे साइड में होगा, मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ इरेज करके सबसे ऊपर वाले को, ये मैंने कर दिया एडजस्ट। अब हम लोगों को ड्रॉ करना है इसके अंदर एक लाइन, किसी भी एक के अंदर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया है एक। अब हम इसके सेंटर पर ड्रॉ करेंगे फिलामेंट, यहाँ पर मैं इसके लिए सिंपली स्केल का यूज़ करूँगा, आप लोग फ्री हैंड भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फ्री हैंड यहाँ पर ड्रॉ करके पहले दिखा देता हूँ कैसे हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि फिलामेंट स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होगा इसका, थोड़े से कर्व रहेंगे इसमें। देखिए कुछ इस तरह से ऊपर हमें ले जाना है और फोल्ड करना है, फिर ये मैंने कर दिया स्लाइडली कर्व और कुछ इस तरह का शेप ड्रॉ करना है। आपको ध्यान रखना है सेंटर में रहे, देखिए मेरा सेंटर पर ही है, थोड़ा बहुत अगर राइट या लेफ्ट हो जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इसके ऊपर एक और वायर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, सेम मेरा हमें लेफ्ट साइड करना है। अब हम इसका ड्रॉ करना है वायर रीजन, कुछ इस तरह से हमें ड्रॉ करना है इसे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आप सिंपली मुझे फॉलो करते जाइए, हम इन्हें आप ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरह से गाइज हमने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। आप चाहें तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं,
जैसा मैंने ड्रॉ किया है, आप इसका जस्ट अपोजिट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आपको कैसा ड्रॉ करना है। मैं ऐसा ही इसे रहने देता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसा रोटेट करना है। कुछ इस तरह से ऐसा रोटेट करना है आपको। मैं लेकिन इसे ऐसा ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे लेबलिंग भी करनी है। तो गाइस ये हमारा लेबलिंग डायग्राम का कंप्लीट वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने से ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने साथ साथ बल वाले बेल आइकन टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि वो भी इसे इजिली और सिंपल वे में ड्रॉ कर सकें। गाइस अगर आपको किसी डायग्राम में इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा।